हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ अनदर एक्सपेरिमेंटल वीडियो फॉर 8th क्लास चैप्टर 12 फ्रिक्शन अ नेसेसरी इवल। दिस वन इज़ द पार्ट वन। इन दिस वीडियो वी आर आल्सो गोइंग टू डू एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द चैप्टर फ्रिक्शन अ नेसेसरी इवल। इन आर प्रीवियस वीडियो वी हैव डन टू एक्सपेरिमेंट्स ऑन योर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11, force and pressure. And in this video we are going to learn about rolling friction and sliding friction. We are going to learn that whether the rolling friction is lesser or the sliding friction is lesser, but with the help of certain experiments. So let's start with the video. Let's start with the first experiment of today's video, which is actually to prove that rolling friction is less than a sliding friction. First, going through the experiment, we must have known about the rolling friction and sliding friction. जो आपको previous videos में जो chapter की videos थी उसमें explain out किया हुआ है, but फिर भी हम as an example इसको ले लेते हैं, एक review ले लेते हैं कि what is sliding friction. तो when an object slides over another object or a surface is called a sliding friction, and we can say when one object slides over another object is called sliding friction. And in rolling friction is a force of friction that comes into existence where one object roll over another object or surface. ठीक है, तो उसको हम rolling friction बोलते हैं। जब slide करा दो किसी surface पे तो वो sliding friction, roll करा दो तो वो rolling। उस वक्त हमने ये पढ़ा था that rolling friction is less than the sliding friction. तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमें एक कन्फ्यूजन रहता है कि फ्रिक्शन में हमें यह पता होना चाहिए दैट अ फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स विच इज़ यूज टू अपोज द मोशन। तो जब हमारा फ्रिक्शन कम होगा तो हमारा मूवमेंट ज़्यादा दूर तक होगा या ज़्यादा होगा, और जब हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हमारा मूवमेंट कम होगा। तो अगर हम इसमें ये प्रूफ कर रहे हैं दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो यानी रोलिंग फ्रिक्शन, रोल जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हम इजीली मूवमेंट करा पाते हैं, इजीली मूव कर लेगी वो चीज़, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन दिखाता है, तो यानी उसमें जो है मूवमेंट कम होगा, लिमिटेड होगा। तो इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ आर एक्सपेरिमेंट विच वी आर गोइंग टू डू इट टुडे। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। Aim of our experiment is basically to prove that rolling friction is less than the sliding friction. Material required: an inclined plane or a wooden plank capped at an angle. आपने एक particular inclined plane, एक angle पर रखा हुआ है, and a wooden cylinder, एक wooden cylinder ले लो, या कुछ भी rolling pin ले लो, या wooden block of same mass, या तो आप wooden block ले लो same mass का। तो it basically depends कि आप similar चीज़ें ले लो, ठीक है, और एक ऐसी चीज़ लेनी है जो रोल कर जाए और एक ऐसी चीज़ लेनी है जो स्लाइड कर जाए, देन यू विल कम टू नो कि व्हाट विल हैपन। तो इसमें बेसिकली हम इसका प्रोसीजर पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या किया हुआ है। कीप द इंक्लाइंड प्लेन और अ वुडन प्लैंक एज शोन इन द फिगर। फर्स्ट अलाउ द वुडन सिलेंडर और रोलिंग पिन टू स्लाइड डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। नोट डाउन द डिस्टेंस मूव बाय द वुडन सिलेंडर। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एंड द पॉइंट्स वेयर द सिलेंडर स्टॉप्स आफ्टर रोलिंग डाउन द प्लेन। Now allow the wooden block to slide down the inclined plane. Note down the distance moved by the wooden block. You will observe that the distance moved by the wooden cylinder is more than the move by the wooden block. This proves that rolling friction is a less than sliding friction. अब आपने क्या किया, उस inclined plane जो आपने बनाया था wooden plank से, उस पर एक तो जो आपने rolling pin ली थी वो move कराई जब आपने सबसे पहले, तो आपने वॉट यू हैव सीन कि वो जो रोलिंग पिन थी वो उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर आपने उसी वुडन प्लैंक पे एक कुछ भी स्लाइड कराया, कोई भी चीज़, कुछ भी वुडन ब्लॉक ले लो, आपने वो स्लाइड कराया। जो आपने वुडन ब्लॉक स्लाइड किया तो उसने भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रुक गया। तो आफ्टर दैट वॉट यू हैव ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, लाइक कि जो रोल करके जो चीज़ गई थी उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया एज कम्पेरेटिव टू जो चीज़ स्लाइड करके गई है वुडन। तो अगर मूवमेंट हमारा रोलिंग फ्रिक्शन ने ज़्यादा दिखा है, रोलिंग जब रोल करा के अगर हमारा मूवमेंट ज़्यादा दिख रहा है तो उसमें फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसमें मोशन ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, मोशन ज़्यादा है तो फ्रिक्शन कम होगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा, कम होगा।
और अगर हम ऑन द सेम टाइम अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो उसमें डिस्टेंस कम ट्रेवल किया था, तो कंपैरेटिव स्टडी करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू रोलिंग फ्रिक्शन। और वी कैन से इन अनदर वे ऑल्सो लाइक रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बोथ द थिंग्स आर इक्वली करेक्ट और दोनों सेम ही चीज़ हैं, देर इज़ नो डिफरेंस इन बिटवीन ऑल द थिंग्स। सो लेट्स गो फर्दर। तो ये हमने पूरा एक्सपेरिमेंट समझा, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो प्रोसीजर एंड वॉट विल यू गेट आफ्टर दिस। सो दिस इज़ द होल एक्सपेरिमेंट जो हमने वर्बली समझा है, एंड नाउ वी विल डू इट प्रैक्टिकली। आई विल शो यू दैट वॉट विल हैपन। और हम इसमें इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, जो उन्होंने रोलिंग पिन और जो वुडन प्लैंक लिया, वो जो वुडन ब्लॉक लिया हुआ है। एंड इन माई एक्सपेरिमेंट आई विल यूज़ वन स्केच पेन एंड स्केल। ठीक है, सो लेट्स गो फर्दर। Let's begin with another experiment. This experiment basically proves that rolling friction is less than sliding friction. Before going to this part, we must have known that what is rolling friction and what is sliding friction, जो कि हमने अपनी previous वाली video में cover किया था, जिसमें हमने chapter explain किया था। So for this, what thing is required? What is rolling friction? Rolling friction is the force of friction that comes into the existence when one object rolls over another object. Rolling friction ऐसी चीजों पर लगेगा जिनको आप roll करा सको, ठीक है? तो वो rolling friction होगा। And after that, you must know about the sliding friction. When an object slides over another object or surface, the contact point on the surface do not get enough time to get interlocked and the object move smooth. ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? That rolling friction is less than the sliding friction. अब जब friction कम होगा तो distance वो ज्यादा travel करेगा या कम travel करेगा? Friction कम होगा तो वो ज्यादा distance travel करेगा, और friction अगर ज्यादा होगा तो वो कम distance travel करेगा। तो लेट्स सी विद एक्सपेरिमेंट। ये हमने वुडन प्लैंक लिया हुआ है जिसको हमने टिल्ट करके रख लिया है, ठीक है? आफ्टर दैट वी विल यूज दिस पेन, स्केच पेन बेसिकली, विच वी विल यूज टू रोल इट। एंड आफ्टर दैट वी विल यूज दिस स्केल, जिसको हम यूज करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए। तो हमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, एक इंक्लाइन प्लेन चाहिए या फिर वुडन प्लैंक, आपको इसी एंगल में उसको रखना है। एंड कुछ भी आप एक पेन ले सकते हैं, स्केल ले सकते हैं फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। Listen the procedure very carefully. Keep the inclined plane or wooden plank as you have shown in this video. And first allow the wooden pan, sorry. First allow the pan to slide down the inclined plane and note down the distance over that. I'll show you that how far this pan will go and how far the scale will go. And after that we'll find ki whether rolling friction is less or sliding friction is less. So let's just start. Firstly, we are doing it with the pen, so this one will be counted in a rolling friction. So let's see that what distance it covers. It goes up to that, and after that we use the scale to slide it over. एज यू कैन सी, जो हमने स्लाइड कराया स्केल तो उसने सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, और जो रोलिंग फ्रिक्शन के थ्रू जो हमने टाइम जो रोल कराया था स्केच पेन, वो काफी आगे तक, अगर वो वॉल से स्ट्राइक नहीं करता तो वो और आगे तक जा सकता था, एज यू कैन सी। और स्केल जो है वो यहीं पर रुक गया। सो वॉट वी वॉन्ट टू से कि वो वहां तक गया है अगर रोल करके, तो फ्रिक्शन वहां कम लग रहा होगा, ठीक है? एंड तो स्लाइड करके अगर यहीं रुक गया तो फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होगा। फ्रिक्शन इज बेसिकली the force which oppose the motion, ठीक है? तो आई थिंक ये क्लियर होगा कि रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो आई थिंक इस पूरे एक्सपेरिमेंट से आपको समझ में आया होगा, और आगे आपको कभी इसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे दैट वेदर द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस और द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस। द वन थिंग विच शुड बी क्लियर इन योर माइंड दैट
what is rolling friction and what is sliding friction. After that you can easily differentiate between their capacities also. So this experiment se humne seekh liya hai that rolling friction is less than the sliding friction. I hope aapko samajh mein aayega, so practice it at home also. Thank you so much for watching the video.